नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक और अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू की है और उस शिक्षा नीति में अब बच्चों के हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाए जाएंगे और उस हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का प्रारूप राजस्थान सरकार ने जारी भी कर दिया है। वो प्रारूप आपको कहाँ से मिलेगा, उसे आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सभी प्रक्रिया हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रारूप तैयार किया गया है वो 5+3+3+4 का प्रारूप तैयार किया गया है। इससे पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी वो 10+2 पर आधारित थी, उसको अब समाप्त कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के प्रारूप को स्वीकार किया गया है। हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड क्या है, इसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसका प्रारूप कैसा है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये देखिए आपके समक्ष स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार समग्र प्रतिवेदन प्रगति प्रतिवेदन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो जारी किया गया उसका प्रारूप है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो कार्ड बनाया गया है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। इसका पूरा विवरण आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पहले विद्यालय का नाम है, छात्र का NIC कोड है, डैश कोड भरना है, ब्लॉक भरना है, जिला भरना है, विद्यार्थी का नाम भरना है, NIC कोड भरना है, विद्यार्थी किस कक्षा में है, उसकी माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि शब्दों में और अंकों में दोनों में भरनी है, SR नंबर भरना है, रोल नंबर भरना है, आधार नंबर भरना है। यहाँ पर बालक का पूरा पूरा विवरण आएगा। फिर नीचे दिया गया है चिकित्सा विभाग के समन्वय से प्रविष्टियाँ दर्ज किए जाएं, यानी इस बॉक्स में जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं वो आप चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं और विद्यार्थी की अभिरुचियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चे को खेल पसंद है, फल कौन सा पसंद है, गीत कौन सा पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, पशु पक्षी उसके कौन से प्रिय हैं, प्रिय त्यौहार कौन सा है, प्रिय विषय कौन सा है। और यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक है और उसको आप रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करेंगे कि वो आगामी कक्षा उसकी क्या होगी। नीचे अपन आते हैं तो समग्र प्रगति प्रतिवेदन में विद्यार्थी का क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, नामांकित कक्षा, आधार रेखा, पदस्थापन, मूल्यांकन से प्राप्त कक्षा स्तर, हिंदी, गणित और अंग्रेजी के लिए है ये। और इसमें जो भी सूचनाएं विद्यार्थी का आपने साल भर मूल्यांकन किया है उसके आधार पर भरनी है। और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में चारों विषय दिखाए गए हैं, उसके SA1 की में उसका स्तर कौन से कक्षा स्तर का था, उसकी ग्रेडिंग क्या है, SA2 में वो किस कक्षा स्तर का था, और ये जो अलग अलग बिंदु दिए गए हैं उनके अनुरूप उसका आकलन करना है और आकलन के अनुसार उसकी ग्रेड भरनी है। तो ये चारों विषयों के ग्रेडिंग शीट है उसकी। यहाँ पर अंत में अभिभावक के हस्ताक्षर, फिर दोबारा अभिभावक के हस्ताक्षर और 3 बार अभिभावक के हस्ताक्षर हैं, क्योंकि यहाँ पर SA1, SA2 और SA3, SA1 के हस्ताक्षर यहाँ करवाने हैं, SA2 के हस्ताक्षर यहाँ करवाने हैं और SA3 के हस्ताक्षर यहाँ करवाने हैं और अंत में समेकित ग्रेड यहाँ पर बालक की दर्ज करनी है। हम ऊपर चलते हैं तो पीछे वाले पृष्ठ पर कुछ और प्रविष्टियाँ हैं जिसमें उसकी उपस्थिति के बारे में मई से लेकर अप्रैल तक का कार्य दिवस और DJ उपस्थिति का योग दर्ज करना है, उपस्थिति का प्रतिशत दर्ज करना है, बच्चा नियमित था, मध्यम स्थिति थी या अनियमित था, और यदि अनियमित था तो उसकी नियमितता और ठहराव पर टिप्पणी दर्ज करनी है, समेकित टिप्पणी दर्ज करनी है बालक के बारे में। ध्यान रहे कि बालक के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी दर्ज न की जाए जिससे कि उसके मन में मनोविकार पैदा हो। अगली प्रस्तावित कक्षा हिंदी के लिए, गणित के लिए और अंग्रेजी के लिए यहाँ पर दर्ज करनी है। फिर अंत में विद्यार्थी के हस्ताक्षर,
अभिभावक के हस्ताक्षर, कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर करके बालक को ये समग्र प्रगति प्रतिवेदन यानी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उसका जारी करना है। बालक का यहाँ पर फोटो लगाना है। तो ये सूचना थी जिसको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं समझता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट कार्ड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका लिंक, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बच्चों के प्रगति पत्र या होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, भर सकते हैं। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।